नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर ईमेल आईडी कैसे ऐड कर सकते हो। तो गाइस, अगर आप भी जानना चाहते हो कि अपने स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर ईमेल आईडी कैसे ऐड करें, तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस, सबसे पहले इसके लिए करना क्या होगा, अपने फ़ोन में स्नैपचैट एप्लीकेशन को ओपन करना है। और गाइस, जैसे ही एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, उसके बाद गाइस करना क्या होगा, ऊपर की साइड में देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको एक प्रोफाइल वाला आइकॉन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली गाइस क्या करना है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस देख सकते हो, तो ऊपर की साइड में यहाँ पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली गाइस इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो, आपको ईमेल का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ईमेल वाला जो ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद गाइस यहां पर आपके फोन में जो भी जीमेल आईडी रहेगी, ऑटोमेटिकली यहां पर जो है ऐड हो जाएगी। तो यहां पर इसे अगर यूज करना चाहते हो, तो यहां पर गाइस इसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद गाइस यहां पर सेव वाला जो ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद गाइस यहां पर जो आपका स्नैपचैट एप्लीकेशन का जो पासवर्ड है, वो यहां पर आपको डाल देना है। तो चलिए गाइस यहां पर मैं अपना जो पासवर्ड है, वो यहां पर डाल देता हूं। तो गाइज यहाँ पर मैंने जो अपना पासवर्ड है, वो यहाँ पर टाइप कर दिया। उसके बाद गाइज यहाँ पर कंटिन्यू वाला जो ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और गाइज जैसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद गाइज यहाँ पर जो आपका ईमेल आईडी है, वो ऐड हो चुका है। उसके बाद गाइज यहाँ पर सेव वाला जो ऑप्शन है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद गाइज जो हमारा ईमेल आईडी के अंदर एक कन्फर्मेशन कोड आएगा, तो यहाँ वहाँ से गाइज जो आपको इसको कन्फर्म कर लेना है। तो चलिए गाइज यहाँ पर हम अपने ईमेल को ओपन करते हैं। और गाइज जैसे ईमेल को ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर गाइज जो ईमेल जो आएगा, उसके अंदर कंफर्मेशन कोड आएगा। तो यहां पर देख सकते हो, आपको कंफर्म ईमेल का ऑप्शन यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां पर जो हमारा जो ईमेल आईडी रहेगा, वो कंफर्म हो जाएगा। तो गाइस यहां पर हम थोड़ा वेट करते हैं, जब तक ब्राउजर में अपना हमारा जो ईमेल है, वो यहां पर ओपन हो जाए। तो गाइस देख सकते हो, ईमेल एड्रेस वेरीफाइड। तो यहां पर गाइस देख सकते हो, ईमेल एड्रेस सक्सेसफुली वेरीफाइड। तो हमारा जो ईमेल अकाउंट है, वो वेरीफाइड हो चुका है। तो चलिए गाइस यहां से बैक आके हम आपको बता देते हैं। तो गाइस देख सकते हो, हमारा जो ईमेल है, यहां पर ऐड हो चुका है। तो इस तरह से गाइस आप स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर अपने जीमेल अकाउंट को ऐड कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।